बन के तैयार है आलू पूरी, तिकोने वाले पूरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। हम आज बनाएंगे सूखा हुआ गोभी के और आलू डाल के आलू दम बनाएंगे। हम मिक्स करके इसे बनाएंगे। आलू के हम सबसे पहले हम आलू और गोभी के उबाल लेते हैं। आलू इसमें डाल दिए हैं, अब गोभी डालेंगे। क्योंकि ये सूखा हुआ है इसीलिए जल्दी नहीं पकते हैं, इसीलिए इसे उबालना पड़ता है। चढ़ा दिए चूल्हा पे। लो जी, अब हमारे आलू उबल के तैयार हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब इसे हम निकालेंगे, सारे आलू के निकाल लेते हैं इसमें से। फिर इसे हम छिलके उतारेंगे। हमने सारे आलू के निकाल दिए इसमें से। अब हम इसे देख लेते हैं, थोड़ा बहुत और हमने तो आलू के निकाल देंगे इसमें से। सारे आलू निकाल दिए, अब इसे भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। गोभी भी को निकाल लिए हैं थाली में। हम आलू पहले छिलके उतारेंगे। आलू के छिलके हम उतार दिए हैं। अब ये जो गोभी है सूखा हुआ, इसे हम धो के पानी निचोड़ के कढ़ाई में, इसमें लहसुन डाल दिए हैं, सूखा हुआ मिर्च भी डाल दिए इसमें। हम प्याज इसमें दिए हैं। अब अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। अच्छी तरह से इसे भून लेते हैं। प्याज के हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। यह है सरसों, पीली हुई सरसों जो कि इसके हम पीस रखे हैं सिलबट्टे में, इसलिए इसे अच्छी तरह सब मिलाएंगे। इसे हम पानी डाल के इसे पका लेते हैं। तरी हम बना लेते हैं इसे। नमक डाल चुकी हैं, इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे। पक गए हैं, हम इसमें आलू डालेंगे। आलू डाल दिए हैं इसमें, और जो सूखा हुआ गोभी जो हमने निकाल के रखी थी अब उसके डालेंगे इसमें। इसमें हम गोभी डालेंगे। सारे गोभी के डाल दिए हैं। अब हम लोई काटेंगे जब तक पूरी के लिए। अब हम बेल के इसे तिकोने वाले बनाएंगे। चम्मच से काट लेती हूँ।
चार भाग में हम कढ़ाई में डाल के इसे पकाएंगे। जब तक उधर हमारी सब्जी पक रही है देखिए कितनी सुंदर हो रही है इसमें। अगर जिस दोस्तों के खाना होगा हमारे पूरी और आलू गोभी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। थैंक यू।